नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत प्रथम पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने अगले वीडियो में पढ़ा था कि दो भैया और दो बहनें आपस में बातचीत करते हुए अपना परिचय देते हैं और वार्तालाप करते हैं, इसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। एक बहन प्रश्न करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाती है, त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। तो दूसरी बहन उत्तर देती है, अहम पठामी, मैं पढ़ रही हूँ। त्वम किम करोसी, फिर वह बहन अपना उत्तर देते हुए प्रश्न करती है कि मैं पढ़ रही हूँ, त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। अहम लिखामि, त्वम किम पठसी, वह उत्तर देते हुए बोलती है, मैं लिख रही हूँ, तुम क्या पढ़ती हो। मैं लिख रही हूँ, तुम क्या पढ़ती हो। फिर वह उत्तर देते हुए कहती है, अहम गणितम पठामि, त्वम किम लिखसी, वह कहती है, मैं गणित पढ़ रही हूँ, तुम क्या लिखती हो। मैं गणित पढ़ती हूँ, तुम क्या लिखती हो। फिर वह बहन उत्तर देते हुए कहती है, अहम गृहपाठम लिखामि, मैं गृह कार्य लिखती हूँ, त्वम किम करोसी, मैं गृह कार्य लिख रही हूँ या लिखती हूँ, तुम क्या कर रही हो। त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। वह उत्तर देते हुए कहती है, अहम खादामि, मैं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, त्वम किम करोसी। वह अपना उत्तर देते हुए साथ में प्रश्न भी करती है कि मैं खा रही हूँ, अहम खादामि, मैं खा रही हूँ, त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। तत्पश्चात वह बहन अपना उत्तर देते हुए कहती है, अहम पिबामि, त्वम किम खादसी। वह बहन कहती है अपना उत्तर देते हुए कि अहम पिबामि, अर्थात मैं पी रही हूँ, त्वम किम खादसी, तुम क्या खा रही हो। मैं पी रही हूँ लेकिन तुम क्या खा रही हो। फिर वह बहन अपना उत्तर देते हुए कहती है, अहम मिष्ठा अन्नम खादामि, त्वम किम पिबसी। वह बहन कहती है, मैं मिठाई खा रही हूँ, तुम क्या पी रही हो। मैं मिठाई खा रही हूँ, तुम क्या पी रही हो। उत्तर देते हुए साथ में अगली वाली बहन को प्रश्न भी कर दिया इसमें। फिर वह बताती है अपना उत्तर देते हुए, वह बहन कहती है, अहम जलम पिबामि, अर्थात मैं जल पी रही हूँ, मैं जल पी रही हूँ। एक बार वापस समझेंगे, त्वम किम करोसी, वह बहन जैसे प्रश्न करती है कि तुम क्या कर रही हो, फिर वह उत्तर देती है, अहम पठामि, अर्थात मैं पढ़ रही हूँ। फिर उत्तर देने के साथ साथ में वह अगली बहन को वापस प्रश्न भी करती है, त्वम किम करोसी, अर्थात मैं पढ़ रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो। अहम लिखामि, त्वम किम पठसी, वह कहती है, मैं लिख रही हूँ, तुम क्या पढ़ती हो। जैसे उसने उत्तर दिया और उत्तर के साथ साथ में एक प्रश्न भी कर दिया अगली वाली बहन को कि मैं लिख रही हूँ, तुम क्या पढ़ती हो। फिर वह बहन उत्तर देते हुए बताती है, अहम गणितम पठामि, त्वम किम लिखसी। उसने अपने उत्तर के साथ साथ उसने भी प्रश्न कर दिया, मैं गणित पढ़ती हूँ, तुम क्या लिखती हो। त्वम किम लिखसी, मैं तो गणित पढ़ रही हूँ लेकिन तुम क्या
लिख रही हो, तुम क्या लिखती हो? तत्पश्चात वह अपना उत्तर देती है, अहम गृहपाठम लिखामि, मैं गृह कार्य लिखती हूँ। क्या लिखती हूँ? गृह कार्य लिखती हूँ। फिर वह प्रश्न करती है, त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो? तत्पश्चात वह बन उत्तर देती है, अहम खादामि, मैं खा रही हूँ। त्वम किम करोसी, इस बहन ने वापस अगली वाली बहन को प्रश्न किया, त्वम किम करोसी, तुम क्या कर रही हो? अहम पिबामि, त्वम किम खादसी। तो उस बहन ने उत्तर देते हुए साथ में प्रश्न भी कर दिया, अहम पिबामि, त्वम किम खादसी, अर्थात मैं पी रही हूँ, तुम क्या खा रही हो? फिर वह उत्तर देते हुए बोलती है अगली वाली बहन, अहम मिष्टान्नम खादामि, त्वम किम पीबसी, अर्थात मैं मिठाई खा रही हूँ, तुम क्या पी रही हो? मैं मिठाई खा रही हूँ, तुम क्या पी रही हो? साथ साथ में प्रश्न भी कर दिया उत्तर देने के बाद में। तत्पश्चात वह बन बताती है, अहम जलम पिबामि, अहम जलम पिबामि, मैं जल पी रही हूँ, मैं जल पी रही हूँ। इसमें दो भैया है जो आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को प्रश्न उत्तर करते हुए अपनी वार्तालाप करते हैं। जैसे कि पहले दो बहनें थी, आपस में बातचीत कर रही थी और अपना परिचय भी दिया और आपस में बातचीत करते हुए प्रश्न उत्तर किए कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या खा रही हो, तुम क्या पी रही हो, तुम क्या पढ़ रही हो। ऐसे इसमें सवाल जवाब के साथ साथ में वार्तालाप चली। अब इसमें ये दो भैया है जो वार्तालाप के माध्यम से अपनी बात बताते हैं। एक भैया बोलता है और सब भैयाओं के बारे में संबोधित करते हुए इसमें वाक्य में बात समझाई गई है, यूयम किम कुरुथ, यानी तुम सब क्या कर रहे हो। वह एक भैया दूसरे भैया को बोलता है कि तुम सब भैया क्या कर रहे हो, तो वह बताता है, वयम क्रीडामः, यानी हम खेल रहे हैं, हम सब मिलके क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर वह प्रश्न करता है, यूयम किम कुरुथ, हम सब तो खेल रहे हैं लेकिन तुम सब क्या कर रहे हो? यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या कर रहे हो? फिर वह अपना उत्तर देते हुए बताता है, वयम गायामः, यूयम किम क्रीडतः, अपना उत्तर दिया और उत्तर के साथ साथ में एक प्रश्न भी करता है। वह बताता है, हम गा रहे हैं, तुम सब क्या खेल रहे हो? हम गा रहे हैं, तुम सब क्या खेल रहे हो? तत्पश्चात वह अपना उत्तर देते हुए बताता है, वयम पादकंदुकम क्रीडामः, यूयम किम गायथ, अर्थात हम फुटबॉल खेल रहे हैं, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर प्रश्न करता है, तुम क्या गाते हो, तुम क्या गाते हो, अर्थात तुम क्या गा रहे हो? तत्पश्चात वह भैया अपना उत्तर बताते हुए बोलता है, वयम गीतम गायामः, वयम गीतम गायामः, अर्थात हम गीत गाते हैं, हम गीत गाते हैं। उसने प्रश्न किया था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो इस भैया ने मिलके बताया कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर इसने पूछा वापस कि हम तो फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन तुम क्या गाते हो, तुम क्या गा रहे हो? तब उस भैया ने अपना उत्तर दिया, वयम गीतम गायामः, अर्थात हम गीत गा रहे हैं या हम सब मिलके गीत गा रहे हैं। एक बार पुनः समझेंगे, यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या कर रहे हो। जैसे इस भैया ने प्रश्न किया, यूयम किम कुरुथ, तुम क्या कर रहे
हो या तुम सब क्या कर रहे हो? तो फिर उत्तर दिया, वयम क्रीडामः, हम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या कर रहे हो? तुम सब क्या कर रहे हो? तत्पश्चात उत्तर देते हुए बताते हैं, वयम गायामः, यूयम किम क्रीडत, हम गा रहे हैं, तुम सब क्या खेल रहे हो? उत्तर देते हुए भैया ने बताया कि हम गा रहे हैं, तुम सब क्या खेल रहे हो? वयम पाद कंदुकम क्रीडामः, यूयम किम गायतः, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तुम क्या गाते हो? हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तुम क्या गाते हो? तत्पश्चात वह भैया अपना उत्तर देते हुए बताते हैं, वयम गीतम गायामः, हम गीत गाते हैं। क्या बताया? वयम गीतम गायामः, हम गीत गाते हैं। धन्यवाद।